आप लोग तैयार हो जाइए, अब हम अपने बाबू का फोटो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, तो प्लीज आप लोग भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा आज। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। जी आज आप देख रहे होंगे फिर से हमें उसी ड्रेस में जिस ड्रेस में कल आपने देखा होगा, और ब्लॉग का जो शुरुआत किए थे इसी ड्रेस में किए थे, और कल भी जा रहे थे किसी पार्टी में, आज भी जा रहे हैं किसी पार्टी में। आज मोहल्ले में ही शादी है तो जाते हैं, बिल्कुल तो बगल में ही है। वैसे पेट का कंडीशन तो अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन वैसा कुछ खाना है नहीं वहाँ पर। वैसे वहाँ पर जा करके देखते हैं, जा तो रहे हैं लेकिन कुछ खाइएगा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे जी ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं खाएगी, कुछ दिक्कत हो जाए बाद में, क्योंकि दो दिन बहुत झेले हैं। अच्छा ठीक है जी, तो चलते। बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिस दिन मैं मोहल्ले में आई थी तो मैंने समझा था कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा अपना भाग्य समझो या मेरा व्यवहार समझो या मेरा कर्तव्य समझो, आज मेरा मायके यहाँ है और मैं सबको देकर फूले नहीं समा रही हूँ। भगवान ने मेरा मायका यहाँ बना दिया और सब लोग मेरे साथ। तो मिलिए हमारे दोनों भैया से, ये प्रीतम भैया, ये आलोक भैया। और हमारा भी सौभाग्य कि हमारी बुआ तो दूर है, लेकिन यहाँ पे अपनी बुआ मिल गई हमें मोहल्ले में। और यहाँ देखिए कुछ ऐसे भी बाइकर सब हैं जो कि हमें अपनी बुआ जैसी प्यार देती है, बहुत मानती है हमें। जब तक जिंदा रहेंगे दुनिया में बहुत बहुत प्यार मिलता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, सही बात है, सबसे बड़े भैया हमारे चिरंजीवी रहे, आयुष्मान रहे, दुनिया का हर अरमान नसीब होगा। तो आगे जी सुबह सुबह वॉक करने के लिए पीछे जो है कौओं का बहुत ज्यादा शोर दिख रहा है, तो लग रहा है कि कल जो पार्टी थी तो कल पार्टी में जो बना हुआ था मीट मछली यह सब, तो उसी को खाने के लिए सभी लोग हैं। हमारा तो वॉक जारी है जी, लेकिन जिया यहाँ पर बैठ गई है, जिया बेचारी थक गई है कुछ देर चलती है और हाँफना शुरू हो जाता है, तो इसलिए जो है रुक रुक करके ही अपना वॉक कर रही है। कल आप में से किसी का कमेंट देख रहा था कि हमारे पौधों में इतने फूल कैसे आ गए हैं जी, जिसका तो हमें भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हम गए हुए थे एक दुकान, वहाँ पर उन्होंने हमें खाद दिया था और खाद को इसमें डाले, और उसके बाद उन्होंने तरीका भी बता दिया था कि किस तरह से खाद डालना है। उसका एक ब्लॉग भी हमने डाला है, पता नहीं आपने उस ब्लॉग को फॉलो किया था कि नहीं, नहीं देखा तो कोई बात नहीं जी, उसका लिंक हम डाल देंगे आई बटन में, उस ब्लॉग को जा करके देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है कि क्या हमने किया था जो इसमें फूल आने लग गए। हम लोग भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि हमारे पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, अच्छा खासा गमला लगा चुके हैं लेकिन फूल किसी में नजर नहीं आ रहा। उसके बाद जो हम गए थे सीधा खाद के दुकान, वहाँ उनको बताया, उन्होंने दिया था एक खाद और उसके बाद तरीका बताया था कि इस तरीके से आप डालिएगा, इस तरीके से पानी डालिएगा तो आपको रिजल्ट आएगा, और सच में रिजल्ट आ गया। कल के ब्लॉग में दिखाया था जी एक चिड़िया को, देख सकते हैं आज, ओहो उड़ गई वो। ये चिड़िया पता है क्या होता है, वहाँ पे सीढ़ी घर में आके ऐसे 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 मारती है खिड़की में लोल, लगेगा कि कोई सच में गेट ढक 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 कराए, जाइएगा तो ये लोल मार रही होती है। जी हम नहा के आ चुके हैं, आज हमने शैम्पू किया है, हम हफ्ते में दो बार शैम्पू करते हैं, तो अब जाते हैं पूजा करेंगे क्योंकि आज हमें मार्केट भी जाना है। वैसे तो हमें दो दिन पहले ही जाना था लेकिन पतिदेव का तबीयत हो गया था खराब, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। देख सकते हैं इतना सारा सामान रखा हुआ है, सारा इंस्टाग्राम का कोलैबोरेशन का हमारा सामान रखा हुआ है, तो ये सब भी काम करना, हम कोशिश करते हैं कि सारा काम जल्दी जल्दी कर ले, लेकिन अभी जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे ही काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि सारा काम बीवी आने से पहले निपटा लें, उसके बाद फिर कुछ दिन काम बंद कर देंगे हम अपना, फिर जब अच्छे से सब कुछ हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे। दीदी दूध का डब्बा किधर है? खाली डब्बा देना, दूध आ गया है। अभी कर रहे थे अपना काम, बीच में ही मम्मी आई और कही कि आज जो है तबीयत अच्छी है तो शिव मंदिर चलना है, तो चलते हैं मम्मी को लेकर के वहाँ पूजा करवा के आते हैं फिर। मम्मी को फोटो आवा दो ना, प्रणाम। अच्छा जाते हैं मिला देते और आज का रिश्ता नहीं का नहीं हुआ था, मेरी माँ का बना हुआ है। बाबा
फाइनली जी माँ को तो हमने पूजा करवा दिया, माँ पूजा करके आ चुकी है। जिया अपना यहाँ पर आटा सान रही है। और जी ये देख सकते हैं आप लोग, देखे होंगे कि इन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था। और इस ईयरबड को जो जिया कभी यूज ही नहीं करती है, हमारा ब्लूटूथ और वैसे भी हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर वो खराब हो गया था। और इनके पास भी सेम है लेकिन इनको मेरा यूज करना नहीं, बस ये झूठ का दिखा देते हैं कि ये मैंने जिया नहीं, ये जो वन प्लस वाला है और मेरे पास रियलमी वाला है। तो लेकिन वन प्लस वाले में क्या होता है जी, थोड़ा सा लाउड आपको सुनाई देता है तो एडिटिंग करने में अच्छा रहता है। समझ गए ना बात, बहुत बढ़िया। तो तुम यूज करो, झूठ के कहते हैं। जिस दिन से लाया हुआ है मुश्किल से लगता है 5 से 6 दिन इस्तेमाल की होगी, इसको लाया हुआ हो चुका है 6 से 8 महीना। पता नहीं क्यों खरीदवाया था, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है। इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और कहीं छोड़ देते हैं, इसलिए हमको डर लगता है कहीं खो ना दे। कहाँ खोएगा, घर में ही नहीं रहेगा। नहीं मतलब कहीं भी छोड़ देते हैं ना, तो और छोटा सा चीज है खो जाएगा, तो इसलिए आप अपना खोइए, मेरा मत खोइए। नहीं खोएगा, खोएगा तो इसका भरदाना भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तैयार हो जाइए, अब हम अपने बाबू का फोटो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, तो प्लीज आप लोग भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। आज तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद को वैसे भी नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्यूट है ना, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, ताकि और उसकी चिरंजीवी आयु हो। और आप में से बहुत लोगों का कमेंट देख रहा था, आप लोग कह रहे थे कि जल्दी से फेस रिवील करिए, उसका इंतजार कर रहे हैं, तो आप ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे जी, बहुत आपको वेट करवा दिया, अब आगे देखिए। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे बाबू को आशीर्वाद तो जरूर। छोटा सा है, रोता है भाई, रोता है, क्यों रोता है, फोटी उटी हो गया है बाबू को, नाती बाबू को बोली भी लो बच्चा। लड्डू बाबू खिला रहा है, कैसा लग रहा है लड्डू को? छोटा नाती सो रहा है, ओड़ी मेरे बच्चा, ओड़ी वो भूखू लग गया बाबू को, भूखू लग गया मेरे नाती बाबू को। तो जी अपने देख लिया हमारे भांजे को, है ना क्यूट सा, प्यारा सा, नन्हा सा। तो आप लोग बताइएगा आपको हमारा भांजा कैसा लगा, और उम्मीद करते हैं जी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जैसा कि जिया ने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना दुआ दीजिएगा, क्योंकि दुआ और आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग दुआ और आशीर्वाद बहुत सारा दिए होंगे। बिल्कुल जी, और नैन्सी दीदी का जो है हॉस्पिटल में आप लोग पूछ रहे थे कि नैन्सी दीदी कब डिस्चार्ज होगी हॉस्पिटल से, तो नैन्सी दीदी जो है शायद कल डिस्चार्ज हो जाएगी हॉस्पिटल से, तो जब वह डिस्चार्ज होगी तो नैन्सी दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे। और बेबी का वेलकम कैसे होता है वो सब चीजें भी डालेंगे आप लोग देखिएगा। और दीदी भी हमारी अभी बहुत स्वस्थ है, ठीक है, हम लोग को उम्मीद नहीं था क्योंकि दीदी को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन ऑपरेशन सब कुछ सक्सेसफुल रहा, और डॉक्टर के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। और जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी दीदी, तो सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन भगवान जी की कृपा से और आप लोगों की दुआ से सब कुछ अच्छा रहा। कहते हैं कि सब कुछ बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है, आप लोग का दुआ है, और आप लोग दुआ कीजिए कि हमारा भांजा बहुत ही हेल्थ उसका अच्छा रहे, आगे भी सब कुछ ठीक रहे।
बिल्कुल जी। तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आगे जो भी अच्छा अच्छा मोमेंट आएगा वो आपको दिखाते रहेंगे, और आप लोग हमारे लिए भी दुआ करते रहिए जी कि हमारा भी बेबी अब जल्दी से इस दुनिया में आ जाए, क्योंकि हम लोगों को भी अब इंतजार नहीं हो रहा, स्पेशली जब से हमारा भांजा आ गया इस दुनिया में। तूने नाम भी रख दिया अपने बाबू का, पेड़ा, पेड़ा। क्योंकि मेरे मुँह से उस दिन अचानक निकल गया था, ओए लड्डू पेड़ा भी आ गया क्या? आपने देखा होगा ब्लॉग में डाला था शायद हमने, लड्डू के मामा और लड्डू दोनों ने मिल के पेड़ा नाम रख दिया क्योंकि दोनों को खाने की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप लोग हमारी वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो देखे होंगे तो हम मामा भांजी दोनों बहुत ही पारंगत हैं। एक जैसे खाने में तो बिल्कुल एक जैसे, जो जो चीजें इनको पसंद है वो सारी चीजें लड्डू को भी पसंद है, तो दोनों ने मिलके पेड़ा नाम रख दिया। बिल्कुल जी। तो आप ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके जाइएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।